बस एक राज्य पाने के लिए उसकी बुद्धि ने इस प्रकार से काम किया। कल आपसे अर्ज की जा रही थी, गीता जी के तीसरे अध्याय में भगवान ने शब्द प्रयोग किया है यज्ञार्थ कर्म करने के लिए, यज्ञ कर्म करने के लिए, अर्थात निष्काम कर्म करने के लिए। सकाम नहीं, यज्ञ भी हो लेकिन सकाम भी ना हो, उत्कृष्ट यज्ञ ना हो, धन द्रव्य पाने के लिए यज्ञ ना हो, अपनी मनोकामनाएं संसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अपन यज्ञ ना हो। इसलिए गीता जी का यज्ञ बड़ा अलग यज्ञ है, सामान्य हवन इत्यादि करना गीता जी का यज्ञ नहीं है, निष्काम कर्म गीता जी का यज्ञ। आज एक राजा के 100 पुत्र हैं, उसके लिए ही समस्या है किसी एक को उत्तराधिकारी बनाना है। राजा बहुत समझदार है, अतएव क्या किया है, कहा बेटा कल सारे के सारे प्रीति भोज करेंगे, इकट्ठे बैठ के आप खाना खाओगे, यज्ञशाला कहिए पाकशाला कहिए किसी में भी यही बैठ के इकट्ठे भोजन, बढ़िया भोजन बनाया। राजा ने हुक्म दिया मेरे पुत्र ने भोजन करना है, बढ़िया से बढ़िया भोजन, स्वादु से स्वादु भोजन 100 के लिए तैयार कर दिया। थालियां आगे परोस दी गई हैं, जैसे ही थालियां आगे परोसी हैं साथ ही साथ शिकारी कुत्ते भी छोड़ दिए हैं। शिकारी कुत्तों को देख के, शिकारी कुत्तों का तो एक ही काम है भौंकना और काटना, भौंकना और काटना, भौंकना और काटना। अतएव सभी के सभी राजकुमार अपना खाना छोड़ के तो भागे, सबकी भूख प्यास खत्म हो गई, उड़ गई। कौन अपने आप को कटवाने के लिए बैठा है, रोटी बाद ही खा लेंगे, कहीं और जाके खा लेंगे, ना सही। सबके सब भाग गए एक को छोड़ के, वह भी सबसे छोटा है। राजा साहब ने सबको बुलाया कि बेटा भोजन कैसा था, कहा हमने तो खाए नहीं, भूखे उठे हैं, क्या बात। राजा साहब थालियां आगे रखते ही शिकारी कुत्ते आ गए, वे हमारी तरफ भागते भागते आ रहे थे, इतने कुत्ते थे उन्हें संभालना मुश्किल, मानो वे काटेंगे हमें, खाएंगे हमें, तो हमने खाना छोड़ के भागने का ही सोचा और हम सब भाग गए। पिताश्री मैंने खाना खाया है, सबसे छोटा बेटा, मूर्ख कहेगा पागल है क्या, क्या तुम्हें डर नहीं था कि कुत्ते काटते, नहीं। फिर क्या किया तूने, कहा पिताश्री जैसे तो कुत्ते मेरे सामने आते थे, मैं एक ग्रास उठाता था, आपकी रोटी तोड़ता था, पूरी जो कुछ बनाई हुई थी उनके आगे फेंक देता था, कुत्ता खा के भाग जाता था, चला जाता था, मैंने आराम से खाना खाया। पिताश्री, वह छोटा बालक कहता है, पिताश्री जो दूसरों की भूख मिटाना जानता है वह कभी भूखा नहीं रह सकता, जो दूसरों को सुख देना जानता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, जो दूसरों को देना जानता है परमात्मा उसके पास कभी घाटा नहीं पड़ने देता। शाबाश बेटा, ये यज्ञार्थ कर्म है, ये निष्काम कर्म है, इसे गीता जी यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। राजा साहब ने उस छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तेरी सज्जनों, सुख चाहते हो तो उसे बांटना सीखो, परमात्मा आपको बहुत देगा। प्रेम बांटने की चीज, सुख बांटने की चीज, जितना प्रेम बांटो परमात्मा उतना आपको प्रेम और देता है, माला माल कर देता है। दुख बांट के तो आप सोचो कि आपको सुख कभी मिल जाएगा, तो ये भ्रांति है देवियों, ये कभी नहीं होता, परमात्मा का ऐसा विधान नहीं है। सुख चाहते हो तो सुख बांटो, फिर दुख बांटने पर आप सुख की उम्मीद करो तो ये कभी हो नहीं सकता है, ये परमात्मा का विधान बड़ा अटल है, अटूट है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।